मतलब वहाँ से मात्र 7 किलोमीटर है। और गढ़ गणेश की अपन बात करें तो ये जो ब्रह्मपुरी जयपुर है वहाँ पर एक घेटोर की छतरियाँ हैं, वहाँ पर घेटोर की छतरियाँ आना ही पड़ता है, वहाँ से बाद में सीढ़ियाँ लगती है 365 और नीचे काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और अगर आप एयरपोर्ट से आना चाह रहे हो तो 15 किलोमीटर अबाउट है यहाँ से। और बुलेट ऑन जयपुर की सीरीज के अंदर अपन शुरू कर रहे हैं आज गढ़ गणेश जी से, और इस सीरीज में काफ़ी वीडियोस आएंगे। ये जो मंदिर है इसमें 365 सीढ़ियाँ, और अगर अपन साल के हिसाब से बात करें तो साल में भी 365 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ा टेंपल है और पुराना टेंपल है। और बिना सुन वाले गणेश जी के नाम से फेमस है ये मंदिर। इसमें गणेश जी के जो बाल रूप है, क्योंकि सूर्य जब नहीं है तो बाल रूप है, वो बहुत फेमस है। और लोग यहाँ पर 365 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचते हैं। और ये मंदिर जो बना हुआ है ये लगभग बना हुआ है 1720 के आसपास का बना हुआ है, मतलब 18th century का मंदिर। और उस टाइम गुजरात के कुछ पंडितों को बुलाया गया था इसका अनुष्ठान में, और गुजरात के विशेष पंडित आए थे यहाँ पर, जयपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अरावली की पर्वत में है ये, अरावली रेंज जो है, आप चारों तरफ देखोगे देखोगे ऊपर अरावली रेंज है, किस तरफ देखो सामने। ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ी है, और यहाँ से जो अरावली की पहाड़ियां दिख रही है ना, यहाँ से बीच से रास्ता है, ये जो बीच में दिख रही है ना इधर आओ, ये देखो ये है घेटोर की छतरियाँ, यहाँ से लेकर पीछे तक ये घेटोर की छतरियाँ है। अब घेटोर की छतरियों में क्या है, यहाँ पर ईश्वर सिंह जो है राजा, उसको छोड़कर बाकी सारे राजाओं की जो मतलब कब्रें वगैरह ऐसे मान सकते हो, शमशान घाट हिंदू धर्म में जहाँ लास्ट राइट होते हैं वो बने हुए हैं ऐसे, सही समझो तो राजशाही शमशान घाट वो ये है। और यहाँ से सीधा रास्ता निकलता है नाहरगढ़ और सॉरी जयगढ़, और जयगढ़ से फिर आमेर कनेक्ट है। जो सीढ़ियाँ हैं वो 365 है, और बाल रूप गणेश जी के यहाँ पर बिना सूंड वाले। तो गढ़ गणेश जी का मंदिर जो है ये बाल रूप वाला गणेश जी का मंदिर है, जहाँ पर बिना सूंड वाले गणेश जी, क्योंकि यहाँ भी सीढ़ियाँ बनी हुई। वाले जो गणेश जी का मंदिर है वो मंदिर है धीरे धीरे गढ़ गणेश जी का जो मंदिर है यहाँ पर, ये जो शॉर्टकट रास्ता है देख, ये पीछे वाला देख, ये वाला रास्ता तो लॉन्ग है पूरा, ये शॉर्ट रास्ता है, और यहाँ से ज्यादातर लोग यहाँ से जाते हैं। पीछे दिखा तुम देख कितना मतलब रंगीन माहौल है रंगीन मतलब पूरी हरियाली है चारों तरफ देख लो चाहे। देख जयपुर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय, और पता है ये मंदिर है सीधा का सीधा जो गोविंद देव जी का मंदिर है ना पहले इसके अंदर है, वहां से सीधे दर्शन होते हैं। अपन शॉर्टकट वाले रास्ते चल रहे हैं, ये जो है ना ये घेटोर की छतरियां हैं सारी की सारी। अब जैसे जसवंतड़ा बोलते हैं ना जोधपुर के अंदर, जसवंतड़ा के अंदर भी है मतलब शमशान घाट हिंदुओं का राजशाही, और ये जयपुर का राजशाही शमशान घाट है। इसके अलावा एक जो है ना वो ईश्वर सिंह ईश्वर लाठवाड़ी, वो एक राजा जो सुसाइड करके मर गया था उसकी वहां पर है, बाकी सब यहीं पर है। ये नारगढ़ की तलहटी के अंदर जो राजा है उनकी छतरियां हैं यहाँ पर, और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर वास्तुकला के हिसाब से, ये भी बहुत शानदार है। और सबसे सुंदर छतरी जो इनमें है वो स्वाई जय सिंह की है। और ये घेटोर का मतलब वैसे क्या होता है पता है तुम्हें, घेटोर का मतलब होता है कछुआ वंश जो है ना, घेटोर का मतलब है आत्माओं का ढोर, ये ठोर हिंदी में ठोर का मतलब प्रतिध्वनि होता है, घेटोर का मतलब होता है आत्माओं का ठोर, अगर कहीं है तो वो घेटोर में है, मतलब सारे राजाओं की यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि छत्रियां हैं घेटोर। छत्रियां कौन कौन सी है,
मतलब इसमें एक मेला और लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी का मेला लगता है। और जो राज पैलेस, जो सिटी पैलेस है, वहां पर जो गणेश, जो गोविंद देव जी का मंदिर है, यहाँ से दो मंदिर के दर्शन होते थे, तो ध्वजाधीश जो गणेश जी का मंदिर है और दूसरा जो मंदिर है वो यहाँ पर गढ़ गणेश जी का हुआ करता था, और वहां से दूरबीन से ये राजघराना दर्शन करता था, इसलिए इस मंदिर की बहुत ज्यादा जो महत्वता है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से लगभग 365 सीढ़ियां हैं टोटल जो मंदिर की चढ़ाई के अंदर, लगभग मतलब 500 से 700 मीटर है टोटल। इधर देखिए टोर की छतरियां हैं दोनों तरफ। ये टोर की छतरियों का जयपुर से संबंधित पता है, बड़ा खतरनाक इतिहास है कि इस, अभी अपन गढ़ गणेश जी के बारे में बात कर रहे थे, तो अपने बहुत सारे मंदिर जयपुर में देखे हैं, पूरे देश के अंदर गणेश जी खूब मंदिर है, लेकिन शूंड रूपी गणेश जी अपन ने देखे हैं सब, लेकिन ये एकमात्र मंदिर है जो बिना शूंड वाले गणेश जी को, यहाँ पर सूंड नहीं है। और ये जो मंदिर है राजस्थान के अरावली पर्वत पर जयपुर में स्थित है। अगर मान लो मंदिर आपको आना है, कोई बाहर से आना चाह रहा है, तो जयपुर शहर से मतलब जैसे जो जयपुर का रेलवे स्टेशन है वहाँ गणेश जी का मंदिर एक ही है इंसान के रूप में, मतलब जहाँ बिना सूंड के गणेश जी की पूजा की जाती है बाल रूप के इंसान के रूप में, और वो यही वही मंदिर है जहाँ पर सात दिन अगर सात गणेश जी की बार में यहाँ आ जाता है तो उसकी इच्छा पूर्ति होती है, चाहे उसने कुछ भी मांगा हो। और ये मतलब लोगों का, यहाँ के लोगों का मानना है, और मतलब सच में होता भी है सात, अगर कोई बुधवार तक, और सात बुधवार आ नहीं पाते अपन, मतलब ऐसी इसमें माना जाता है कि विघ्नहर्ता गणेश जी के दो ध्वजाधीश एक गढ़ गणेश जी विघ्नहर्ता माना जाता है इनको, लेकिन फिर भी कोई अगर सात कंटिन्यू बुधवार तक आ जाता है तो उसकी इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन सात बुधवार तक आ नहीं पाते लोग, ऐसे लोग मानते हैं। जो गेटोर की छतरियां है वो एकदम बगल में है, और यहाँ से आराम से अपन पैदल पैदल जा सकते हैं। गणेश जी के बारे में इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो जय सिंह थे जयपुर के संस्थापक, उन्होंने निर्माण करवाया था। गणेश जी के बारे में ये भी अपन मानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मांगलिक कार्य है उसमें शुरुआत गणेश जय सिंह ने, ये जो मंदिर बनाया था ये जयपुर की स्थापना से पहले बनवा लिया था, और उन्होंने उस टाइम अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था, और उन्होंने मंदिर जब बनवाया तो गणेश जी की मूर्ति की जो है गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की। और जयपुर की आधारशिला इसके बाद में रखी गई, और मतलब जो जयपुर का चंद्र महल है ना, सिटी पैलेस जिसको बोलते हैं, वहाँ से दूरबीन से जो दो मंदिर है उनके दर्शन होते थे। एक तो जो हवा महल के पास में एक मंदिर है ध्वजाधीश कॉर्नर पर, और एक बोली, और बीच में ये गेटोर की छतरियाँ है, और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है जयगढ़ की तरफ, और जयगढ़ से फिर आमेर की कनेक्टिविटी है गुफाओं से, मतलब सुरंग है मंदिर है ये गढ़ गणेश, इन दोनों के दर्शन चंद्र महल से ही हो जाते थे। ये मंदिर में आपको ये तो पता ही होगा कि गणेश जी चतुर्थी आती है ना, जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी, उस दिन यहाँ पर 5 दिन के लिए कंटिन्यू ऐसे लबरेज भरा भरा मेला लगता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होती है। और दिवाली के बाद में भी पहला बुधवार आता है ना, दिवाली के बाद में जब भी पहला बुधवार आता है तो अन्नकूट का वो फेस्टिवल वो भी मनाते हैं, और सर्दियों में पोस्ट बड़े भी रखे जाते हैं। यहाँ पर ये जो मंदिर है इसमें जो सारे पुजारी हैं वो जो ब्राह्मणों में एक पर्टिकुलर औदिच्य जो होते हैं ना, वो पुजारी औदिच्य जो है वही कंटिन्यू, मतलब उन्हीं की डिसेंडेंट है, वही पूजा कर रहे हैं। बस मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये जो मंदिर है ये 18वीं सदी में बना हुआ है, मतलब लगभग 1710 और 1720 के आसपास। और ये अरावली की रेंज है, काफी पत्थर वगैरह भी यहाँ से निकाले जाते हैं, और जब राजमहल में किसी की डेथ होती थी तो वहां से घूमते हुए यहाँ तक आते थे। देखो हाँ, ये सागर इधर इधर से, इंद्र महल से डायरेक्ट दर्शन करते थे ध्वजाधीश और गढ़ गणेश जी के, और यहाँ से व्यू देखो अरावली रेंज का, क्या शानदार व्यू आ रहा है, जबरदस्त। 365 सीढ़ियों का नाम दिया था ना,
अभी तक तो कुछ ही हुई है, 150 के आसपास बाकी है, अभी पहुंचने वाले हैं। आ जाओ। मतलब जयपुर की स्थापना बाद में हुई थी और मंदिर की स्थापना पहले हुई थी। और ये जो मंदिर है, ये जो नारगढ़ वाला जो फोर्ट है और जयगढ़ के बीच में जो पहाड़ी है उनके अंदर है। सबसे बड़ी बात जो सागर है, ये सागर, हाँ नहीं, ये दो सागर है, एक तो है आमेर महल के पीछे और एक ये बीच वाला, पानी का स्टोरेज किया जाता था यहाँ, जो पहाड़ी में जितना पानी इकट्ठा होता है ना, यहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। एक सागर उस साइड और है, और जो ऊपर वाला रास्ता जो गाड़ियाँ जा रही है ना, वहाँ से वो जयगढ़ का रास्ता है, वहाँ से रोड है, पूरी रोड है जयगढ़ का रास्ता है वो टोटल। आ जाओ। ये मंदिर और मंदिरों से अलग है क्योंकि गढ़ गणेश जी मंदिर गणेश जी को तो समर्पित है ही, लेकिन यहाँ पर पुरुष कृति के रूप में, मतलब इंसानी रूप के रूप में, नन्हे बच्चे के रूप में भगवान गणेश जी की पूजा होती है। अरावली की जो पहाड़ी है उनकी चोटी पर नारगढ़ के एकदम करीब ये मंदिर स्थित है और बाल रूप बिना सूंड वाले गणेश जी के रूप में इनकी पूजा होती है। अगर अपन बात करें कि ये मंदिर बनवाया किसने, तो जो सवाई जय सिंह द्वितीय थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया, और जयपुर की स्थापना से पहले अश्वमेघ यज्ञ किया था और जयपुर की स्थापना बाद में हुई थी, पहले ये मंदिर बना था। नारगढ़ की हाइट के बराबर हाइट है यहाँ पर, ये पहुंच गए अपन गणेश मंदिर। वो जो नीचे दिख रहे हैं ना, वो नहर के गणेश जी है। नीचे देखो, ये नहर के गणेश जी है। ये वाला रास्ता सीधा आमेर रोड पर जाता है रामगंज। बीस के आसपास ये मंदिर बना हुआ है जयपुर, ऐसे बोलते हैं कई लोग, जयपुर की स्थापना से पहले बना हुआ है, और जयपुर की स्थापना से पहले बना हुआ मंदिर है। उसके बाद में जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की, पहले मंदिर बना, गुजरात के पंडित आए थे यहाँ, उन्होंने अनुष्ठान किया था, 365 सीढ़ियाँ चढ़कर ये मंदिर है वो, जो इंस्टाग्राम पर अब आजकल वायरल हो रहा है कि 7 गुरुद्वारा आना पड़ता है। सोच के देखो, एक बार आने में आदमी आप जाता है। तो ये वो मंदिर है, यहाँ पर पता है गणेश चतुर्थी के दिन बहुत बड़ा आयोजन होता है, बहुत बड़ा जबरदस्ती है, सब भर जाती है जगह। गढ़ गणेश जी का मंदिर सर्वोच्च चोटी, ऊपर से ऊपर से वो देखो, उधर नारगढ़ दिख रहा है, वहां से नारगढ़ भी चलेंगे, नारगढ़ दिख रहा है वहां से, उस तरफ देखो, उस तरफ ये गढ़ गणेश जी हो गया, उस तरफ देखो वहां पर ये है, वहां से रोड जाती है, कभी टू टावर है वो देखो, ये वाला एरिया इस साइड वाला है आमेर महल वाला, जो जयगढ़ है आमेर महल वो वाला है, वो नारगढ़ वाला एरिया हो गया, दोनों ये अरावली रेंज से कनेक्टेड है, यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। ये वाला जो रोड है, ये आगे जाकर नहर के गणेश जी का मंदिर है, देखो वहां पर, वो देखो ये जो फोर सा टूटा हुआ दिख रहा है, नहर के गणेश जी का मंदिर है, वहां नीचे देखो, वहां नीचे से ये रोड आगे जाती हुई वहां जब मिलती है, उस एरिया को बोलते हैं रामगंज, ठीक है, रामगढ़ मोड़, रामगढ़ मोड़, हाँ हाँ। और वहां से देखो वो दिख रहा है जलमहल, देखो आगे देखो सामने जलमहल दिख रहा है, ये जलमहल वही जलमहल है, ठीक है ना। अब देखो वहां से आगे से पूरा, अभी अपन मंदिर प्रांगण के बाहर खड़े हैं, ये है गणेश जी का मेन द्वार, तो आगे के लोग में हमारे साथ बने रहिए। अभी नीचे उतरते वक्त हम एक फॉरेनर से डिस्कस करेंगे, ये फॉरेनर हमें यहाँ मिले, वो बोले कि हमें गणेश जी और वास्तु के बारे में, यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमें भी गणेश जी और वास्तु के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू, बने रहिए इसी व्लॉग में आगे कंटिन्यू। अभी अपन फॉरेनर से डिस्कस करेंगे एक छोटा इंटरव्यू, उससे पहले यहाँ से देखो पूरे जयपुर की सिटी है वो यहाँ से नजर आती है, हवा महल जो है और सिटी पैलेस, गोविंददेव जी मंदिर पूरा जयपुर यहाँ से मिलता है, नारगढ़ भी यहाँ से बगल में ही है। तो अभी अपन फॉरेनर के साथ डिस्कस करेंगे कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखो आजकल है ना, फॉरेन जो है ये अल्बेनिया से है, फॉरेन जो
जो पीपल है वो उनका अट्रैक्शन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, अपना घट रहा है। ऐसा गलत है, अपन कल्चर को फॉलो करना चाहिए। अपन अपने कल्चर से दूर हटते जा रहे हैं और ये लोग जो भारतीय कल्चर है, योगा है, उसको अपना रहे हैं। तो अभी अपन वापस उतर रहे हैं और डिस्कस करेंगे फॉरेनर के साथ। थैंक यू। He is my friend. Okay. We are just shooting the videos. The India, lot of believe in Vastu. Lot of believe in Vastu. Vastu means just a science for architecture. Vastu. Vastu means architecture science. Mm-hmm. So they believe that if we have 365 stairs, then in a year 365 days. Mm-hmm. So the combination. I will take this off. Yeah, the combination of 365 stairs in 1 year. We know that 365 days. So that's why they situate this temple mm-hmm. in Arauli range. Mm-hmm. You know the mountain, the Arauli range, the Arauli range, mm-hmm. and the mountain is also oldest mountain in the world. Which mountain? This mountain. Which mountain? These mountains are also there. You know Arauli mountain, Alaska mountain. Uh-huh. Uh-huh. So Arauli mountain is the oldest mountain in the world. Okay. So they select this place. They select this place because they have a lot of belief in Vastu. So they design the 365 stairs. These stairs are in number of 365. Mm-hmm. So they accommodate these. They believe that in a year 365 days. So that's why we have to build this. Mm-hmm. And you know there is a. You know what is this? Indrajit, just show that. These are ghetto chhatriyas. You know last right, human being last right. So all the Jaipur royal families, mm-hmm. they do the last right here. Last right? After death. Yes. Mm-hmm. These are the ghetto chhatri. Ghetto means, soul. Mm-hmm. There is ghetto, the word ghetto means without body. Mm-hmm. Mm-hmm. So they believe that these are the place outside the cities. You know, mm-hmm. that place. Indrajit, just show that. That place is known as City Palace. Mm-hmm. That place, you also visited that Hawa Mahal. Not yet. Mm-hmm. There is also a temple, Dhaujadis. Mm-hmm. This temple is second temple, Gad Ganesh. Mm-hmm. And this temple is Dhaujadis mm-hmm. in City Palace. Mm-hmm. So the queen and Raja, they believe that when we are woke up early in the morning, so we have to, they are the devotee of the Lord Ganesha. Mm-hmm. So they believe in Darsana in morning time. Mm-hmm. So they daily Darsan from that by the help of Durbin. You know Durbin? Mm-hmm. So they regularly visiting here, and from the inside of the place, mm-hmm. they believe in the Darsana that in the morning time. Mm-hmm. So this is the all about Gad Ganesha, and you don't believe that this is the oldest temple of Ganesha in Rajasthan. Mm-hmm. Yeah. About 500 years ago, in 17th century, mm-hmm. about 1720, they built it. And every year in Chaturthi, you don't know Chaturthi? No. We are counting that 1st January, 2nd January in year. So according to Hindi, according to Sanskrita, mm-hmm. there is a Chaturthi, month 4th day. Mm-hmm. So they arrange a fair mm-hmm. about Lord Ganesha, and they distribute the food to the needy peoples. Mm-hmm. And they believe that they will... we'll get all of them from the boat yeah. So you are from Albania? Yeah, I'm from Albania. ये था अपना इंटरव्यू फॉरेनर के साथ। अपन ने डिस्कस किया इन लोगों का इंटरेस्ट, देखो वास्तु और गॉड और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, योगा की तरफ, और अपना अट्रैक्शन देखो, अपन रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपना कल्चर और अपना जो हिस्ट्री है वो छोड़ना नहीं चाहिए, कल्चर तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी अपन नीचे उतर रहे हैं गड़ गणेश की सीढ़ियों से, और अभी इसके कंटिन्यू बाद में अपन गेटों की छतरियों के बारे में देखेंगे। बने रहिए अपने लोगों के साथ। आजकल मंदिरों में ज़्यादा फॉरेनर लोग और ये वेस्टर्न कल्चर वाले मिलते हैं, अपन लोग मंदिरों को और स्पेशल को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बने रहिए वो लोग के साथ, आगे कंटिन्यू लगे इसी टाइप की जर्नी के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट से हमें एनर्जी मिलती है कि नेक्स्ट वीडियो भी शूट करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।